मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का परिणाम आते ही गंज बासोदा के एक ग्रामीण परिवार में खुशियां छा गई। जोहत के निरंजन सिंह रघुवंशी की बेटी पलक ने नीट परीक्षा में 720 में से 636 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक में जगह बनाई है। इससे पहले पलक हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रदेश की मेरिट सूची में पांचवा स्थान हासिल कर मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित भी हो चुकी है। पलक की मांग पर मुख्यमंत्री ने गाँव को 2.25 करोड़ का नवीन शाला भवन और सड़क की सौगात भी दी थी और अब गांव की बेटी ने एक बार फिर अपने गांव और जिले का नाम रोशन करते हुए परचम लहराया है। पलक ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और अपने मामा को देते हुए कहा कि वो आगे चलकर स्त्री रोग विशेषज्ञ बनकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना चाहती है। पलक की माँ संगीता रघुवंशी ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी की सफलता पर गर्व है। वहीं पलक के स्कूल के प्राचार्य राकेश सेन ने भी सफलता पर खुशी जाहिर की। 11th में बायो लिया, 12th करा ना, 12th का एक्सपेक्टेशन था कि एमपी में पहुंचेगा 5th रैंक, बट जब हुआ 5th रैंक तो फिर आया कि कुछ अच्छा करना है, तो फिर सजेशन भी मिला बड़ों से और स्पेशली मेरे मामा जी वगैरह से, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया कि नीट करो। तो 12th के बाद ही मैंने नीट के लिए कश कोचिंग में फॉर्म भरा। फर्स्ट ईयर मुझे स्कॉलरशिप मिली तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, फीस वगैरह कुछ नहीं मिली, 11,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस थी। हाँ सर, बेटी को पढ़ाना बहुत मुश्किल समय लेना है क्योंकि इतना रूढ़ी गाँव है, वो वहाँ से लड़कियों को निकालना बहुत बड़ी बात हो जाएगी और किस मुसीबतों के साथ मैंने उसे बाहर निकाला है वो मैं ही समझ सकती हूँ। और ख़ासकर ये ना सोचें कि ये लड़की है तो इसे पढ़ाओ मत या इसे पढ़ने का मौका मत दो या इसे घर से बाहर निकलने का मौका मत दो, तो वो कोशिश जो कर रहे हैं वो बंद कर दें सब लोग। यही बात है, उस कुटिया ने 2017-18 में भी स्टेट मेरिट में पांचवा स्थान प्राप्त किया था, फिर उसी कुटिया की बदौलत हमारे स्कूल में आज 1,75,00,000 से भवन स्वीकृत हुआ। जब सीएम साहब ने उसका सम्मान किया था तब उसने अपनी डिमांड रखी थी कि हमारे यहाँ पे पढ़ाई के लिए भवन नहीं है, तो आज उसकी बदौलत भवन है और आज की डेट में नीट की एग्जाम में उसने फिर से अपनी पोजीशन हासिल की है और बिटिया पलक के लिए अग्रिम शुभकामनाएं डॉक्टर बनने की।